हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज का ये वीडियो आपको एक मोटिवेशन देके जाएगा, आपको मोटिवेट करके जाएगा। अगर जो आपने रेलवे का फॉर्म डाला है, चाहे वो NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वो RRB JEE हो, रेलवे 2019 बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है और आप सबको लगता है कि आपको ये नौकरी आसानी से मिल जाएगी। क्या आप कह सकते हैं कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी? क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्स पहले दिए हैं, उस टाइम भी आपको ये लगता था कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाने वाली है। तो इस वीडियो को 5 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, बहुत सारा मोटिवेशन आपको दे के जाने वाला है, ठीक है। अब पहले काम ये करिए, आप अपने आप से सोचिए, अपने आप से एक प्रश्न करिए, क्या आपको भी लगता है ये नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी? क्या ये सही है ये लगना कि आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, या गलत है? आप सोचिए। तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा कहानी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपका जो टाइम है, जो समय है, वो कीमती है। एक बार एक आदमी जा रहा था कुछ इम्पोर्टेंट काम से, रास्ते में पड़ा एक जंगल, जंगल में था एक पुल जिसे उसे पार करके उस पार जाना था, बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। जैसे ही वो आदमी पुल पार करने लगा, रास्ते में आधा पुल ही क्रॉस किया था, बंदरों का एक झुंड आ गया जिससे आदमी डर गया, और आदमी जितना डरता था बंदर उतना ही डराते थे। उसे आदमी को पुल के उस पार जाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, उतना ही ज़रूरी जितना आपको एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी होता है। अब वो आदमी क्या करता? अब वो आदमी थोड़ा सा डरता, बंदर और डराते। अब ऐसा जो टाइम था वो चलता रहा 15 से 20 मिनट, तभी सामने से एक महात्मा जी, एक संत आ रहे थे। उसने आदमी को, इस माहौल को देखा कि आदमी डर रहा है, बंदर उसने उतना ही डरा रहे हैं। तब संत ने आदमी से कहा, देखो आप इससे बंदरों से जितना डरोगे बंदर उतना ही डराएंगे, आप बंदरों के आँख से आँख मिलाओ, आप बंदरों का सामना करो, वो बंदर खुद ब खुद भाग जाएंगे। अब आदमी ने डरते हुए बंदरों से आँख में आँख मिलाई, अब देखा बंदर थोड़े थोड़े डर रहे हैं, थोड़े थोड़े भाग रहे हैं। अब जैसे ही आदमी आगे बढ़ा सारे बंदर वहां से क्या हो गए, रफू चक्कर हो गए। बंदरों को लगा, हाँ ये आदमी लड़ सकता है, सामना कर सकता है, यहां से आदमी का डर भी गायब हो गया। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं, आपको वो सामना करना होगा। अगर जो आप सोचते हो कि आप का लेवल इतना है और आप इतना लेवल तक नहीं कर सकते, तो आप गलत हो, आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। अगर जो आप सोच सकते हो कि आप ये नौकरी निकाल सकते हो, तो हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही लाइन की ज़रूरत है, सही संस्थाओं की ज़रूरत है, सही मतलब जगह जहाँ पर अगर जो आपको मिल गया कि हाँ ये तरीका अच्छा है, इस तरीके से मैं इन किताबों को पढ़ के आसानी से ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो उसे आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे खुद आपको, चाहे भगवान आ जाएगा। जो आप सही से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन पे उन पे ब्लेम देते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। यार वो आपकी गलती है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ बात हो रही थी, मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सोचो, क्या आप भी यही सोचते हो? अगर जो सोचते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर मैं भी यही सोचता हूँ। तो ये चीज़ आपको लगता है अगर जो कि हमें नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, इस चीज़ को अब पॉजिटिव वे में यूज़ करो, यानी कि आपको कन्फर्म है नौकरी मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, डर जो है उसको भगाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज से, अभी से, तुरंत से लग जाओ। किताबें क्या हैं, किताबों के बारे में मैंने बता दिया। अगर जो कुछ किताबें आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ से कुछ किताबें हैं ले सकते हैं। जो भी वीडियोज पढ़ रहे हैं चैनल पे, अप टू डेट रहो, बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, देखते रहो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर जो आपने इस वीडियो से कुछ सीख ली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव तैयारी करते हो उनके साथ शेयर करके जाना। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह, हर बार की तरह, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मदमस्त रहो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।